नहीं है, ऐसा लग रहा है हम ही चल रहे हैं और किले चुने और कुछ बाइकर्स हैं, बस पूरा खाली है, बस हम ही हम। अगर यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल बाइक वॉचर ठीक करा के सब कुछ सही से लेके आए, यहाँ अगर बाइक खराब हो गई ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, बर्बाद हो जाओगे। ओहो बर्फ ही बर्फ, यहाँ पे कार चलाने कोई मजा नहीं है, सुख नहीं है जगह पे कार का यार, बाइक चलाते हैं खाई में ना गिर जाइयो, बाइक चलाते हैं ना ऊपर नीछे लेफ्ट राइट सब कुछ दिखता है, वो छत हो जाती है खिड़की से थोड़ा थोड़ा दिखता है, क्या फायदा। अरे उसके अंदर ना आदमी रेस्ट भी कर लेता, सो जाता है ऐसे कि देखता भी नहीं आता था रास्ता, तो रास्ते कितने खराब है। ओ भाई बॉर्डर क्रॉसिंग का ये अलग तरह की क्रॉसिंग है भाई कुछ। ओ भाई आराम से ले ले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल लेंगे। आ रहे पीछे से, पीछे से आ रहे हैं ये लोग। It's lost on me, it's taking everything, not to turn around. Okay, हम गए भाई बदल लो रास्ता, पेट्रोल टैंक गिर दिया, टूट गया हुआ, अब गिरने का दिख रहा है। मनाली में कैसे पहाड़ थे, शिमला में कैसे पहाड़ थे, दिन दिन वार के आसपास कैसे पहाड़ हैं, और आगे जाके भी देखते कैसे पहाड़ होने वाले, क्योंकि पहाड़ के शेप और टेक्सचर बदलता जा रहा है, अलग अलग तरीके के अंदर हरियाली तक तो चली गई है। अब पीछे बैठने का एक सुख है, आराम से बैठो, पड़े रहो, मस्ती को एंजॉय करो, और कुछ खाने का है तो खाते रहो बैठ के पीछे। मैंने पीछे देखा कुछ लोग चूल्हे वगैरह लाए हुए थे, रोटी सब्जी बना रहे थे बैठ के, बढ़िया है, कमाल है यार। रास्ता देखो बहुत खतरनाक होने वाला है। Throw it away. See if you let go of me. When you're not holding me. Like I can see it now. Hey, when I lose. But if I'm gonna lose you. ये देखो बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, तो हम उन्हीं बर्फ के पहाड़ों के बीच में पहुंच गए। तुमने गलत दे दिया मेरे को, जल्दी जाओ बीच में खड़े। बीच में भी एक जने की बाइक बंद हो गई थी, फिर धक्का मार के स्टार्ट किया, और पहाड़ देख रहे हो कैसे हैं, फिर धक्का मार के स्टार्ट किया, पीछे आगे पूरा ट्रैफिक जमा हो गया था। वो तो इधर देख रहा है, ध्यान से करियो, राइट साइड में ले ले, खतरनाक है, मतलब देख लो कितना खतरनाक है ट्रैफिक हो रहा है, साइड में देखो बिल्कुल साइड में क्या हो, बिल्कुल गिरे तो सीधा नीचे पड़ेंगे जाके, सीधे नदी दिख रही है वहीं जाके पहुंचेंगे पाएंगे, बड़ा खतरनाक है ये, और ये तो फिसल भी सकता है, ये तो फिसल भी सकता है। आपको दिख रही है फ्रोजन लेक, साला मैंने पहली बार देखी, इसमें जाएंगे सीधा अंदर ही घुस जाएंगे, पता नहीं कितनी गहरी होगी और पूरी बर्फ से जमी हुई ठंडी होगी एकदम, लाइफ में पहली बार देखी है फ्रोजन लेक। कच्चे रास्ते में बात कर रहा है यार, बात नहीं समझ रहा सांस लेने में, इसको दिक्कत हो रही है, मेरा बाइक तो कह रहे थे सांस लेने में। अरे कितने बिल्कुल बर्फ में, जैसे पीछे से जो पहाड़ दिख रहे थे ना, बिल्कुल ऐसे उनके बर्फ में घुस गए ऐसा लग रहा है, तो उसे टेक्सचर से पता चल रहा है, टेक्सचर दिख रहा है, नहीं पाउडर की तरह है, पाउडर का मार रखा है, वो वाली देखो और साफ लग रही है, देखो आपको दिखाते हैं इस साइड वाली ना जो छांव में, ऐसी जगह पे कभी नहीं आया है, पहाड़ पे तो आया, वैष्णो देवी उष्णी देवी जैसी जगह पे तो आया है, ऐसे वाले पहाड़ों में नहीं आया कभी। फिर से बदल लिया है, मैं बाइक चलाऊंगा और बाइक चलाने को एंजॉय करते हैं, और जतिन जन जिसने मेरी बाइक ली थी उसकी हवा टाइट होगी बाइक चला के, कह रहा भाई मैं थक गया तो जाके और फिर से पीछे बैठ गया हार्दिक के, तो चलिए बाइक चलाते हैं और बाइकिंग को एंजॉय करते हैं। सच बता रहा हूँ यहाँ पे ना मेरे हाथ पैर सब कुछ पूरा जम गया है, जो होती है वाटर क्रॉसिंग होती है, वाटर क्रॉसिंग में पैर रखते ही पैर, मतलब इतना ठंडा पानी था कि बिल्कुल रखते ही पैर एकदम जम गया, फिर अब हाथ भी जम गए, ग्लव्स पहन लेता हूँ और पूरा कवर कर लेते हैं भाई, बहुत ठंडी हो गई और बहुत ठंड लगा, ऐसा लग रहा है हाथ पैर कट जाएंगे इतनी ठंडी हो रही है। ग्लव्स पहन लिए हैं, जैकेट ऊपर तक बंद कर लिया है,
और अब चलते हैं क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए, मतलब ध्यान से नहीं चलाएंगे तो 100% गिरेंगे, मतलब बिल्कुल 100% गिरोगे ही गिरोगे, हल्का सा भी ध्यान भटक गया ना 100% आप पानी में गिरोगे, आप पत्थरों में गिरोगे, आप गिरोगे ही गिरोगे, ये नहीं खाई में गिरोगे भाई, वाटर क्रॉसिंग करोगे तो गिरोगे ही गिरोगे, तो बहुत ध्यान से चलाएं। तो मैं फ़ोन को रख देता हूँ और बिल्कुल सेफली ड्राइविंग करते हैं, और ऊपर से रेंज वेंज तो आ नहीं रही तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये लोग सारे आगे निकल गए हैं, अब मैं अकेला बैठ के यहाँ बैग बांधूंगा, इनको बोला था कि साथ साथ चलो साथ साथ चलो, फिर भी आगे निकल जाते हैं, तो मैं अकेला हूँ यहाँ पे और अपने बैग को बांधते हैं। अब ये बैग कहीं नहीं हिलेगा, मैंने इतनी मजबूती से बांधा है ये बैग हिल जाए भाई, ये फंस गया है, ये बाइक का हिस्सा बन गया है, मैंने इतनी मजबूती से बांधा है, इस बैग ने परेशान कर दिया था, गीला हो गया, हिले जा रहे, परेशान ही कर दिया साले ने, अब साले को इतनी टाइट से बांधा है ना, बैग और बाइक एक ही हो गया, उसका पार्ट बन गया, जुड़ गया उससे, अब बैग बांध दिया और आराम से चलते हैं बिना किसी टेंशन। यहाँ पे आप रास्ता देख रहे हो कितना जबरदस्त और कितना बढ़िया यार, पूरा वो या तो जब भी मेट का सीन था, जो गाना था हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना, एकदम बिल्कुल वैसा ही सीन है। अब किसी ने जब भी मेट देखी होगी तो पता होगा इस सीन के बारे में। ये देखो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये देखो इतने ख़राब रास्ते में मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ और बाइक भी चला लूँ तो पॉसिबल नहीं है ना, तो बस समझ जाओ कितना मतलब शानदार, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, मज़ा आ रहा है, और आई होप आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा यार। हाँ तो मन कर रहा है जब भी मेट का वो गाना गा दूँ, हम जो चलने लगे ये रास्ते मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। चारों तरफ खाली खाली सन्नाटा है, चारों तरफ खाली ही खाली एकदम सन्नाटा है, कोई नहीं है आसपास, काफ़ी मज़ा आ रहा है, और वो लोग काफ़ी आगे निकल चुके हूँ क्योंकि मेरा बैग बंद हो गया था, आधा घंटा था मुझे बैग को टाइट करने में लग गया। ये सारी बर्फ़ की झील है जो आपको दिख रही है ना, ये बर्फ़ की झील है, कोई एक कदम रख देगा और वो मतलब बर्फ़ टूट जाएगी और बंदा डूब जाएगा, जो मूवीज़ में देखा करते थे ये वो है, शानदार लग रही है, कितनी चौड़ी है मतलब ये बर्फ़ की झील। आ रहे हैं स्वाद, इंटरनेट तो चल नहीं रहा तो रास्ते मिल नहीं रहे हैं, तो लोगों से पूछ के ही जा रहे हैं, तो पूछ लिया है उन्होंने, बताया तुम सही रास्ते पे बस चलते जाओ, थोड़ा सा रास्ता खराब है, आगे जाके एकदम खूबसूरत रास्ता हो जाएगा, तो चलिए चलते हैं और इस रास्ते को एंजॉय करते हैं, थोड़े थ्रिल से भरे, थोड़े खूबसूरत, चलिए चलते हैं। ये है यहाँ का व्यू, बहुत ठंडी पड़ गई है, कितना भी देख लो दिल भरता ही नहीं है, और हम जमीन में चल रहे हैं पहाड़ों के बीच में, और ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ का तूफान आ जाएगा पीछे, आज सामने देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि धूप है, पीछे देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ का तूफान आ जाएगा, बहुत ही वैरायटी का मौसम है। सामने कितना टूटा हुआ रोड है, मुझे बंद करना पड़ेगा फ़ोन, कैसा लग रहा है हार्दिक सर को, खुला खुला लग रहा है, मेरे तो सांस नहीं आ रहा था, मजा आ रहा है, मजा तो आ रहा है जितिन तेरे को, मतलब आंखों का दिल नहीं भर रहा है, हरियाली हो गई है, हरियाली कितना मस्त चमक रहे हैं पहाड़ यार। तारों कैमरा जस्टिस कर ही नहीं सकता, आप खुद आओगे ना आपको महसूस होगा ये क्या देख लिया मैंने यार, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कोई जगह, नीचे बहुत गहराई में मस्त ये नदी बह रही है, देख सकते हो आप बहुत गहराई में मस्त नदी बह रही है, आपको लग रहा हो कम गहरा पर बहुत गहरा है यार, ये बहुत ज़्यादा गहरा है।
पीछे तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ का तूफान आ रहा है। फटाफट से चलते हैं फालतू में, यहाँ भी तूफान आ जाए। पूरे जम गए हैं, सॉक्स वॉक्स उतारते हैं, ये जम गए पैर साला। पैर फुल जम चुके हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ रुके हैं, उसका व्यू देखो। रास्ता कैसा था? बीच बीच में यहाँ से हम तो क्या है, हमें लार्वा कुकून के अंदर आया है, मर दर के निकलेंगे यहाँ से, बटरफ्लाई मर के निकलेगा तू। ये पार कर लिया ना भाई, सच में सर्वाइव कर सकता था। जूते मैंने यहाँ पे बांध दिए, चप्पल पहन लिया और थोड़ा सा आगे जाना है 100-200 meters। तो यहाँ पे मिल चुका है हमें हमारा रूम। क्या हुआ? मैं तो पता नहीं क्या लटक गया तू। तो रूम मिल चुका है, बढ़िया रूम मिल गया, बहुत बढ़िया। गर्मी है अंदर, गर्मी है सच में। ये रहा हमारा शानदार रूम, सच में बढ़िया। ऐसे वाले रूम में रुके ना कभी जिंदगी में? नहीं, पर रुकना चाहिए भाई। हाँ, बड़ा मजा आएगा। तो हम पहुंच चुके हैं बैठे अपने रूम में। इससे बढ़िया होम टूर मिलेगा आपको? घुस गए होम में, रूम खत्म है ना, सिंपल और इजी। तो जिनके हाथ में सब कुछ मिला हुआ होता है ना, वो बिल्कुल भी निकल सकते। बैग वैग निकालते हैं और आराम करते, खाना खाते हैं, चिल मारते हैं। मस्त जगह पे रुके हैं यार, काफी अच्छा लग रहा है, मस्त कमरा है, काफी बढ़िया है। स्प्रिन है वो बहुत कम आ रही है, मस्त लग रहा है ना ये जगह, थोड़ी नेचुरल लग रही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रुकते हैं प्रकृति के पास, बाकी तो ऐसे रेस्टोरेंट में रुक रहे थे, होटलों में रुक रहे थे। कल तो जाए, यादगार रहेगा। अपने दवाई ले ली, हमारी दवाइयाँ बहुत काम आ रही हैं, हमारी रस्सियाँ दवाइयाँ चक्कू सब कुछ बहुत काम आ रहा है। हम फुल प्रिपेयर होके आए थे, फुल प्रिपेयर होके आना चाहिए, सबकी हेल्प भी होती है और ट्रिप चलता रहता है। कि आज हम भालू बन जाएंगे, आज हम वही बनेंगे जो हम घर पे बने रहते हैं, भालू। पांडा। घर पे भी क्या करते हैं, बड़े तो रहते पूरा दिन। और ये सारे पड़ गए थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट लेट रेस्ट भी चलते हैं, ड्राई फ्रूट जो काम आ जाएंगे, अभी थोड़ा गर्मी भी मिल जाएगी शरीर को और हल्का सा पेट भर जाएगा। यहाँ पे मस्त हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, अभी इंजॉय करते हैं खाने को। ठंडी लग रही है बहुत तगड़ी, मगर देख रहे धूप, कितनी तगड़ी धूप आ रही है पीछे, मतलब बहुत ठंडी लग रही है। क्या मिल गया, क्या हो गया? और कुछ याक का दूध पिएगा, याक का वो वहाँ मिलेगा ले में, है ना। एक चीज़ तो मानते हैं कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत प्यार से बात करते हैं सब लोग, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, प्यार से बोलते हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई बाहर का बंदा, ऐसा लगेगा कि अपनी फैमिली वाले ही लोग आपसे बात कर रहे हैं, इतने प्यार से बोलते हैं। आंटी इतने प्यार से बात कर रही है, घर की मेंबर है, घर की मेंबर है। यहाँ पे लोग काफ़ी प्यार से बोलते हैं, अच्छा भी लगता है। फिर खाना आ चुका जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ये चीज बड़ी दी है ले, सबने खा लिया सालो, ये कड़वा सड़क से खाने जा रहे हैं। मैंने खा ली बस, बहुत खाया भाई, 8 बिस्किट खाएंगे मैंने, मैंने भी खाए। किस चीज की चाबी है? ये चाबी है बाथरूम की, यहाँ पे बाथरूम में लॉक लगे होते हैं, देखो लॉक लगा हुआ है बाथरूम में, ये लॉक लगा हुआ। और ये समझ नहीं आ रहा ये होल किसे कर रखे बाथरूम, मतलब कि ये बाथरूम का गेट है और उसमें होल कर रखे, भाई अंदर देख ले कोई भी। और मैं भी अब सोता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब जो होगा देखी जाएगी, अब रेस्ट करते हैं आराम से और सो जाते हैं। शरीर की कप कपी देख के आपको समझ आ ही रहा होगा, अभी हम जाते हैं खाना खाने, बहुत खतरनाक सर दर्द हो रहा है यार। पुशअप भी मार लूँ मैं, सर दर्द ना हो रहा हो तो, मेरा ठंड में सर दर्द ना होता तो पुशअप पुशअप मार लूँ। ये बोलते बड़े प्यार से हो, बड़े प्यार से बोलते हैं आप। अच्छा, बड़ा स्वीट ट्रिप लगा था। नहीं, प्यार से बहुत प्यार से बोलते हो। हमारे इधर बहुत ऐसे, हमारे तेज बोलते हैं, हमारे बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के। हरियाणा आए हो कभी आप? अच्छा
नहीं आया, हम तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ऐसे तो क्या ही थोड़ा दबा चला चला की थोड़ा नेचर से अब बोलते प्यार से ज्यादा बड़ी बात होती है। जिस तरीके से आपने हमारा ध्यान रखा ना, सब बता रहा हूँ, नहीं रखता कोई होटलों में रख देना, होटलों में इतने प्यार से नहीं बोलते, होटलों में इतने अच्छे से नहीं होता। यहाँ पे बिल्कुल हिप्पीज वाली फीलिंग आ रही है, हिप्पी बन गए अपनी गुफा में आ गए हैं, कमरे में नहीं रहते, हिप्पी कमरे में नहीं रहते, कैंपिंग करते हैं, तो कैंप करते हैं, तो ये वैसे एक तरीके से कैंप ही है यार, एक तरीके से देखा जाए हम हेड कैंप है, पर हाँ हम हिप्पी बन गए, अब हिप्पी हम हिप्पोपोटामस बन गए, अब रेस्ट करते हैं, मस्त सोएंगे आज तो दबा के भाई। तो अभी हम लोग आए हुए हैं ठंड में घूमने, हम क्या कर सकते हैं, हमारा दिल चंचल है, अंदर सही कंफर्ट, हम अंदर कंफर्टेबल थे बहुत, मगर हमें कंफर्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या बोलते हो, क्या है, एक डिस्कम्फर्ट, हमें किक चाहिए, हमें चाहिए किक, व्यू को, यहाँ के एटमॉस्फेयर को, यहाँ की हर एक चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हवा को, आसमान को, मौसम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, काफी अच्छा लग रहा है, एकदम शांति है। सुन के देखना आप, देखो सुन के देखो एक बार, ये मुझे लगता है लद्दाख में नॉर्मल है, जब भी ग्रुप आता है एक आधा टूटती है सबके साथ। गियर छोटे बड़े करने पड़ रहे हैं हर 10 मिनट में, एक कदम ऊपर है, एक कदम नीचे है, एक का टेढ़ा है, सड़क भी परफेक्ट हो तो बात अलग है। अरे चंडीगढ़ वाला हाईवे जैसा हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कैथल से अंबाला हो ना 100 की स्पीड पे आ रहा था वो फिर भी बढ़िया। अभी आए हम लोग बाथरूम में, ये ताला खोलते हैं और टॉयलेट करते हैं, तो ठंड हो रही है ना, टॉयलेट करने आने में भी सोचना पड़ता है, मगर नज़ारे मस्त है। और तो ये गड्ढा समझ नहीं आता मेरे को, गड्ढा क्यों है भाई, पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां और मैं सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया।